डलहौजी विधानसभा क्षेत्र के बनीखेत के भजन और लोक गायक रमेश कुमार द्वारा गाया गया गीत मियां तेरा मंदिर यूट्यूब पर रिलीज किया गया। इस दौरान चेयरमैन डलहौजी कैंट वेलफेयर एसोसिएशन सुभाष महाजन ने मोबाइल पर क्लिक कर इस भजन को यूट्यूब पर शुरू किया। वहीं इस दौरान उन्होंने इस भजन की वीडियो की सफलता के लिए रमेश कुमार को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस भजन को सुने और लाइक करें। बताते चले कि लोक गायक रमेश कुमार डलहौजी छावनी अस्पताल में लेबोरेटरी टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत हैं और वह गायकी के क्षेत्र में काफी समय से कार्य कर रहे हैं। मैया तेरा मंदिर कैसेट का रिलीज हुआ है, तो इसके लिए मैं बनीखेत के हमारे लोक गायक रमेश जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि ये जो इन्होंने कैसेट रिलीज की है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुने और सुन के वो मंत्रमुग्ध हों। रमेश जी जो हैं हमारे बनीखेत के रहने वाले हैं और इनको बचपन से ही माताजी के भजन गाने का शौक है। माताजी के भजन गाने के अलावा ये लोक गायक भी हैं। लोक गायक होकर ये शंकर जी की भी बेटे गाते हैं, माताजी की भी गाते हैं, तो मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं इनको देता हूँ। सबसे पहले मेरा वरिष्ठ पत्रकार श्री सुभाष महाजन जी, लोजी कैंट वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन जी, सर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जैसा कि आज मैंने मैया तेरा मंदिर भजन की जो है ये मैंने नया वीडियो रिलीज की है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये भजन पसंद आएगा। और ये भजन जो है मैंने नवरात्र से पहले इसलिए रिलीज कर दिया है कि आप लोगों को जो है नवरात्र से पहले ये भजन जो है चल पड़े। तो मैं आप सबका जो है सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ। और मैं वैसे भी बनीखेत से का मैं रहने वाला हूँ, बनीखेत का मैं लोक गायक हूँ। इससे पहले मैंने भली माता के भजन, भोले माता के, भोले शंकर जी के भजन काफ़ी मैंने भजन गाए हैं। तो मैं आप सबका, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये भजन पसंद आएगा और मुझे लाइक करें, कमेंट्स करें और अपना मुझे आशीर्वाद दें। और मुझे आपका पहले भी बहुत ज़्यादा प्यार मिला है, सो आपका मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करूँ। यूट्यूब के ऊपर जो भजन चला है रमेश कुमार के नाम से है चैनल, रमेश कुमार बनीखेत के नाम से चैनल है, उसमें आप मैया तेरा मंदिर लिखो, अपने आप जो है उसमें जो यूट्यूब में आएगा। प्लीज़ शेयर, उसका लाइक कमेंट्स जरूर करें। आपका मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।